हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल टाउन ब्रदर्स। तो दोस्तों, फाइनली आज हम काम पे तो जा नहीं सके क्योंकि काम है नहीं। वो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी साइट पे, हमारा आखिरी दिन, वो ही हमारा आखिरी दिन था साइट पे। उसके बाद कहीं काम मिला नहीं, इसलिए तो अभी हमारी चल रही है छुट्टी, इसलिए मैं आपको कोई वीडियो दे नहीं पा रहा काम से रिलेटेड। मगर आज मैं आपको अपना घर का टूर और आपको टू ब्रदर्स की एक स्टोरी शॉर्ट में सुनाऊंगा, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। तो मैं आपको अपना आज घर का टूर कराता हूँ, जो हमने खुद अपनी मेहनत से दोनों भाइयों ने ख़रीदा है, किस तरीके का है। तो ये है हमारा कुछ इस तरीके का घर, जो एक मंजिल बना हुआ है। अभी एक मंजिल बनाया है नहीं, कुछ पैसों की दिक्कत पड़ गई थी इस वजह से। ये देखें, ये नीचे से 50 गज का है, 10x45 का है ये, और ये इसका एंट्रेंस है। ये देखें, ये इसका एंट्रेंस है। ये पूरा गेट बना हुआ है 10x12 फुट का गेट है, ऊपर जाल लगा हुआ है। और इधर से देखें, ये हमने नीचे होल बना हुआ है, पूरा नीचे पूरा होल है। और इसमें एक इधर उधर की साइड बाथरूम है, मैं आपको बाथरूम भी दिखाऊंगा। ये हमने एक सोफ़ा डाला हुआ है, ये साइड से जीना गया हुआ है। और ये हमारे तोते हैं, चिड़िया, देखें आप इनसे भी मिलें। तो चलते हैं, अब मैं आपको अंदर घुमाता हूँ किस तरीके का व्यू है। ये आ गया अब हमारा जीना, ये जीना ऊपर ऊपर जा रहा है। मैं ऊपर का भी दिखाऊंगा आपको, मगर ऊपर का भी कुछ बना नहीं है, अभी एक ही मंजिल बना है फिलहाल, क्योंकि यार अभी इतना काम मिलता नहीं है, अभी नई नई शुरुआत है, तो धीरे धीरे स्टार्ट होंगे। और जैसे जैसे मैं चलता जा रहा हूँ, ये हमने पानी का टैंक बनाया हुआ है नीचे, और ये है बाथरूम धोने वाला, और ये हमने कुछ सिंक लगाई हुई है, ये शीशा है, ये नहाने वाला बाथरूम है। ये देखें, ये बाथरूम बनाया हुआ है। और फिर इसके बाद रूम एक ही बनाया है, नीचे नीचे खाली रूम एक ही है। ये है रूम हमारा, ये रूम है 10x15 का, काफ़ी बड़ा रूम है। चौड़ाई थोड़ी सी कम रहेगी इसकी, चौड़ाई कम है, बाकी लंबाई काफ़ी है, 10x45 की लंबाई है, लंबाई काफ़ी है। और चौड़ाई इसकी थोड़ी सी कम रहेगी, उनसे हमने बोला था थोड़ा सा और बढ़ा दो, मगर उन्होंने बढ़ाया नहीं। तो मैं आपको इसको ऊपर का व्यू दिखाता हूँ, मगर यार ऊपर का भी बना नहीं है, आधा पड़ा हुआ है। और बने रहिए इस वीडियो में, आगे मैं आपको कुछ छोटी मोटी वैसी स्टोरी सुनाऊँगा जो आपको पसंद आएगी। मैं ऊपर आ गया हूँ, ऊपर आ गया हूँ मैं, तो कुछ इस तरीके का व्यू है, इसका अभी बना नहीं है। यहाँ पे एक कमरा बनाना है जो कि अभी बना नहीं है, धूप आ रही है थोड़ी सी, ये कुछ इस तरीके का व्यू है उसका, अभी ये कमरा बना नहीं है, अभी आधा ही काम चला हुआ है, आधा काम हुआ नहीं है इसमें। आगे से मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरीके का है। ये इस तरीके का व्यू है इसका, कुछ अभी काम चालू नहीं करवाया, काम चालू होएगा, ऊपर का आधा ही काम हुआ है, बाकी नीचे का तो फाइनल है पूरा। तो चलते हैं नीचे और ये स्टोरी करते हैं शुरू। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये कुछ इस तरीके का व्यू है इसका। ये देखें, ये इसके कॉलम खड़े हैं इधर, इसके कॉलम खड़े हैं, दीवारें हो गई हैं, बस इसमें लेंटर का काम रह गया डालना, थोड़ी थोड़ी और दीवार करानी है। क्या है कि ये पहले जब दीवारें इस साइड की, एक साइड की तो आप देख रहे हो, इधर की जो इधर की दीवारें हैं वो तो पूरी हो गई है लेंटर के लिए, जो और इधर की जो दीवार है ना ये वाली, ये भी पूरी ऊपर तक थी, मगर क्या है इसमें पहले पिलर नहीं भरे गए थे, तो ये आंधी की वजह से गिर गई थी, हवा की वजह से,
तो हमने फिर इनके पिलर विलर भरवाए, एक साइड की दीवार कराई और एक साइड की ऐसी रहने दी। अब कहीं से जुगाड़ बनता है तो फिर उसके बाद इसका काम ऊपर का काम चालू कराएंगे। तो और भी काम है बहुत सारे, आप देखिए कुछ इस तरीके का अभी हमारा घर है जो अभी आधा ही बना है, आधा नहीं बना। ये देखें, इसमें अभी काफ़ी काम होना बाकी है, धीरे धीरे कराएंगे। जब इतना कर लिया तो इसमें बाहर का पैसा बिल्कुल नहीं है, हमारी दोनों भाइयों की मेहनत का पैसा लगा होगा, बस खाली हम दोनों भाइयों की। तो यार ये भी एक बहुत बड़ा टारगेट है दोस्तों, क्योंकि आप पीछे से कुछ नहीं मिलता आपको, फिर आप ज़मीन खरीद के घर बनाते हो, मेहनत करते हो, और उसके बाद ये कहना कि भाई क्या किया तुमने क्या नहीं किया। और ज़्यादा हमारी कुछ एज भी नहीं थी, हमने काम सीख के अपने बलबूते पे ज़मीन खरीद के ये घर इतना खड़ा कराया अपने अपनी मेहनत से, अपने दम पे, अपने बलबूते पे। तो ये कुछ एक मोटिवेशन का काम करती है कि आप किसी भी चीज़ में लगे हो और हिम्मत नहीं हारोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब मैं आना चाहता हूँ यूट्यूब पर, यूट्यूब पर जो मेरा काम है कारपेंट्री का, ग्रेट फर्नीचर वर्क के नाम से भी चैनल है मेरा, है एक टाउन ब्रदर्स ब्लॉग्स के नाम से भी चैनल है। तो अभी मुझे कुछ खास रिस्पांस मिल नहीं रहा यूट्यूब पर, तो मैं मेहनत करता रहूँगा, वीडियो डालता रहूँगा, तो मुझे आप लोगों के थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप अगर सपोर्ट करोगे और मैं आपको कारपेंट्री से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स ऐसे दूंगा जो आपके भी काम आ सकती हैं, आपके भी काम आएंगी, और बहुत सारी वीडियो ऐसी डालूंगा जो आपके रोज़ की ज़िंदगी के लिए मतलब कारपेंट्री टिप्स का काम करेंगी। तो यार थोड़ा सपोर्ट करना। ये देखे कुछ इस तरीके का व्यू है इसका, अभी अभी घर भी पूरा नहीं बना हुआ है, आधा ही बना हुआ है। ये थोड़ी जंग हमारी लाइफ के साथ चल रही है, लाइफ इन फाइट। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में। यार वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और यार चैनल को जब ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।